Chapter 1: The Rise of the Micro Business. Hey guys, welcome back to my channel. आज हम एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और यूजफुल बुक डिस्कस करने वाले हैं, द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो। ये बुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो लेट्स डाइव इनटू चैप्टर 1, द राइज ऑफ द माइक्रो बिजनेस। व्हाट इज अ माइक्रो बिजनेस? तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो बिजनेस की। आप सोच रहे होंगे, माइक्रो बिजनेस क्या होता है? माइक्रो बिजनेस एक छोटी और सिंपल बिजनेस होती है जिसे आप मिनिमम कैपिटल से शुरू कर सकते हो। कभी कभी सिर्फ $100 यानी लगभग 7,000 रुपीज से। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको किसी फैंसी ऑफिस या फॉर्मल बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं होती। गिलेबो कहते हैं कि आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचना, ऑनलाइन कोर्सेज बनाना, फ्रीलांसिंग और भी बहुत कुछ। व्हाई माइक्रो बिजनेसेस आर पावरफुल? अब सवाल ये उठता है कि माइक्रो बिजनेसेस इतनी पावरफुल क्यों है? गिलेबो कहते हैं कि ये बिजनेसेस आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हो, अपना पैशन फॉलो कर सकते हो और अपने लाइफ के गोल्स अचीव कर सकते हो। एक और बात, ये बिजनेसेस आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी दे सकती है अगर आप सही तरीके से काम करें। इमेजिन करो, आप अपना खुद का बॉस हो, कहीं भी और कभी भी काम कर सकते हो और अपने टाइम को अपनी फैमिली, हॉबीज और ट्रैवल के लिए उसे कर सकते हो। साउंड्स अमेजिंग, राइट? इस चैप्टर में गिलेबो ने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं ऐसे लोगों के जो अपनी छोटी सी आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसे एक बंदा जो अपने लैपटॉप से ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहा है, या एक लड़की जो अपने क्राफ्टिंग स्किल्स को उसे करके ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है। दी स्टोरीज प्रूव करती है कि आपको एक बेड बजट या फिर MBA डिग्री की जरूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, बस एक अच्छा आइडिया और डिटर्मिनेशन चाहिए। ही टेक अवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, माइक्रो बिजनेस एक ऐसे बिजनेस है जो आप छोटे बजट से शुरू कर सकते हो। दूसरी बात, आपको अपना पैशन फॉलो करते हुए ऐसी चीज बनानी चाहिए जो लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, बस शुरू करो। चैप्टर 2, फॉलो योर पैशन। मे बी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज वेयर वी डिस्कस द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो। आज हम चैप्टर 2 पे फोकस करेंगे जिसका टाइटल है फॉलो योर पैशन। मे बी। इस चैप्टर में गिलेबो ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। पैशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैशन हाई काफी नहीं है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। द मिथ ऑफ पैशन। सबसे पहले हम बात करते हैं पैशन के मिथ की। आपने हमेशा सुना होगा, फॉलो योर पैशन एंड सक्सेस विल फॉलो। लेकिन गिलेबो कहते हैं कि सिर्फ पैशन फॉलो करना हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं होती। अगर आपका पैशन किसी ऐसी चीज में है जो मार्केटेबल नहीं है या जिसमें लोग पैसा नहीं देना चाहते, तो आपको बिजनेस में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यानी अगर आप किसी ऐसे हॉबी को बिजनेस बनाना चाहते हो जिसमें कस्टमर्स कम हो, तो शायद वो सक्सेसफुल ना हो। पैशन जरूरी है, बट आपको अपने पैशन और मार्केट डिमांड के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। द स्वीट स्पॉट पैशन मीट्स मार्केट डिमांड। गिलेबो इस चैप्टर में एक स्वीट स्पॉट की बात करते हैं, वो पॉइंट जहां आपका पैशन और मार्केट डिमांड मिलते हैं। ये वो चीज है जिसमें आप दिल से इंटरेस्टेड हो और लॉगस चीज के लिए पैसा डीन को तैयार है। इस स्वीट स्पॉट को ढूंढना ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और लोग प्रोफेशनली क्लिक्ड फोटोज के लिए पे करना चाहते हैं, तो आप अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। स्किल्स नॉट जस्ट पैशन। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल्स। पैशन के साथ साथ आपको अपने स्किल्स पर भी काम करना होगा। आप जो करना चाहते हैं उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। स्किल्स के बिना पैशन सिर्फ एक हॉबी हाई रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो उसमें मास्टरी हासिल करना जरूरी है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती है, वैसे वैसे आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। केस स्टडीज। गिल्लेबो ने इस चैप्टर में कुछ केस स्टडीज भी शेयर की है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक शेफ का, जो अपने पैशन को कुकिंग में ढूंढता है, लेकिन मार्केट डिमांड को समझते हुए अपनी यूनिक रेसिपीज को सेल करता है। इस तरह से उसने अपनी पैशन और स्किल्स को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया। दी स्टोरीज हमें सिखती है कि पैशन के साथ स्किल्स और मार्केट डिमांड का मिलान जरूरी है। ही टेक अवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, पैशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ स्किल्स और मार्केट डिमांड का होना भी जरूरी है। दूसरी बात, हमेशा अपने पैशन को इवैल्यूएट करो कि क्या लोग उस चीज के लिए पे करने को तैयार है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल आइडिया में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट करते रहो। चैप्टर 3, द वन पेज बिजनेस प्लान। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिल्लेबो। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसका टाइटल है द वन पेज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, गिल्लेबो ने इस चैप्टर में बिजनेस प्लानिंग को बहुत हाई सिंपल और इजी बनाया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान्स के प्रॉब्लम्स की। ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान्स यूजुअली लॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इनमें हर छोटी सी डिटेल कवर करनी पड़ती है, जो एक छोटे स्टार्टअप के लिए जरूरी नहीं होता। गिल्लेबो कहते हैं कि अगर आप एक माइक्रो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं है। इंस्टेड, आपको एक वन पेज बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, जो आपके बिजनेस का कोर आइडिया डिफाइन करता हो। व्हाट इज अ वन पेज बिजनेस प्लान? तो ये वन पेज बिजनेस प्लान होता क्या है? ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, जो आपके बिजनेस के की एलिमेंट्स को कवर करता है, बस एक पेज पे। इसमें सिर्फ वही चीजें लिखी होती है, जो आपके बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं ये प्लान कैसे बनते हैं। व्हाट आर यू सेलिंग? यहाँ आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को क्लियरली डिफाइन करते हैं। हु इज योर कस्टमर? आपको अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा। ये वो लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। हाउ विल यू रीच योर कस्टमर्स? आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आउटलाइन करना है। सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ या ईमेल मार्केटिंग, जो भी तरीका बेस्ट हो, यूज करो। हाउ विल यू मेक मनी? यहाँ आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी लिखते हो। आप कितने पैसे चार्ज करोगे और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? इस पॉइंट में आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिफाइन करते हो। ये आपके एक्शन आइटम्स हैं, जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ अ वन पेज बिजनेस प्लान। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप एक हैंडमेड सोप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपका वन पेज बिजनेस प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। व्हाट आर यू सेलिंग? हैंडमेड ऑर्गेनिक सोप्स। हु इज योर कस्टमर? एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, एज 25 से 40। हाउ विल यू रीच योर कस्टमर्स?
Instagram marketing, local craft fairs. How will you make money? Selling soaps at $10 per bar with a 50% profit margin. What will you do next? Create a website, order supplies, start Instagram promotions. Dekha? Simple or easy? ये वन पेज बिजनेस प्लान आपको अपने बिजनेस आइडिया को क्लियर और फोकस्ड बनाने में मदद करेगा बिना किसी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के. Why simplicity works? इस चैप्टर का मेन लेसन है सिंप्लिसिटी. गिलेबो कहते हैं कि जितना आपका प्लान सिंपल होगा उतना ही आप उस पर जल्दी एक्शन ले पाओगे. आपको अपने आइडिया को ओवरथिंक नहीं करना है, बस शुरू करना है. रिमेम्बर, आपका वन पेज बिजनेस प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, बट शुरू करने के लिए ये सिंपल प्लान हाई काफी है. ही टेक अवेज. तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान्स की कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है. दूसरी बात, अपने बिजनेस आइडिया को क्लियर और फोकस्ड रखने के लिए वन पेज बिजनेस प्लान बनाएं. और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्शन लेने से पहले अपने प्लान को सिंपल रखें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके. चैप्टर 4, क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल. वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो, ओनली ऑन गौरी दंसी. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल. इस चैप्टर में गिलेबो ने ये बताया है कि अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको ऐसी चीज क्रिएट करनी होगी जो वैल्यूएबल हो, जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो. चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं. द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू. सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू की. वैल्यू का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वर्थ जो कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है. सिंपल वर्ड्स में, आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो लोगों के लाइफ को बेटर बनाए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करे या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करे. गिलेबो कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस वही होती है जो अपने कस्टमर्स के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करती है. तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस लॉगऑन के लिए कितना वैल्यूएबल है. हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट्स वैल्यूएबल. अब सवाल ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप क्या वैल्यूएबल क्रिएट कर रहे हो. गिलेबो इसके लिए कुछ टिप्स देते हैं. अंडरस्टैंड द कस्टमर्स प्रॉब्लम. आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को डीपली समझना होगा. उन्हें क्या चैलेंज कर रहा है, उनकी लाइफ में क्या मिसिंग है. आपको अन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना होगा. प्रोवाइड अ सॉल्यूशन. आपको ऐसा सॉल्यूशन देना होगा जो उनके प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करे. ये सॉल्यूशन एक प्रोडक्ट, सर्विस या एक्सपीरियंस हो सकता है. ऑफर समथिंग यूनिक. मार्केट में कई प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. आपको ऐसा कुछ ऑफर करना होगा जो बाकी सबसे डिफरेंट हो या फिर अन प्रोडक्ट से बेटर हो. क्रिएटिंग योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP. एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो गिलेबो इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं वो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP. MVP का मतलब है वो बेसिक वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट जो आप सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करते हो ताकि आप अपने आइडिया को टेस्ट कर सको. ये MVP आपको कस्टमर फीडबैक लेने में हेल्प करता है और आपको बताता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. जैसे जैसे आपको फीडबैक मिलता है आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाते हो. एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूएबल क्रिएशंस. गिलेबो इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं ऐसे लोगों के जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर चुके हैं. जैसे एक बंदा जो इको फ्रेंडली बैग्स बनाता है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, या एक लड़की जो अपने यूनिक आर्ट स्टाइल के प्रिंट्स बेचती है जो लोगों के घरों को डेकोरेट करते हैं.
दीज एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझकर उनके लिए वैल्यूएबल चीज क्रिएट करते हो तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। की टेकअवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, वैल्यू क्रिएट करना सबसे जरूरी है। दूसरी बात, अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को समझकर उनके लिए यूनिक और इफेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आइडिया को जल्दी से टेस्ट करने के लिए MVP क्रिएट करें, ताकि आप सही फीडबैक ले सकते हो और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको लॉन्च का प्रोसेस समझाएंगे। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे वैल्यूएबल। चैप्टर 5, लॉन्च। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5, लॉन्च। आपने अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप कर लिया, वन पेज बिजनेस प्लान बना लिया और अपने प्रोडक्ट को वैल्यू क्रिएट करने के लिए तैयार कर लिया है। अब टाइम आ गया है लॉन्च करने का। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू लॉन्च योर बिजनेस इफेक्टिवली। द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्चिंग क्विकली। गिलेबो इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट करते हैं, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, लॉन्च क्विकली। अक्सर लोग परफेक्शन के चक्कर में अपना आइडिया कभी लॉन्च ही नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने आइडिया को जल्दी से मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप रियल कस्टमर फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट का परफेक्ट वर्जन बनाने का वेट करते रहोगे तो शायद आप कभी लॉन्च कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने बिजनेस को मार्केट में ले आओ। प्री लॉन्च प्रेपरेशन। अब बात करते हैं प्री लॉन्च प्रेपरेशन की। लॉन्च से पहले कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो आपको जरूर लेने चाहिए। बिल्ड एंटिसिपेशन। लॉन्च से पहले अपने टारगेट ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट करें। सोशल मीडिया पर टीजर्स शेयर करें, ईमेल लिस्ट पर अपडेट्स भेजें और अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताएं। सेट अ लॉन्च डेट। एक स्पेसिफिक डेट और टाइम डिसाइड करें जब आप अपने प्रोडक्ट को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। इसे आपके कस्टमर्स को क्लियर आइडिया होगा कि कब वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। प्रिपेयर योर प्लेटफॉर्म। आपको अपने वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर या जो भी प्लेटफॉर्म आप उसे कर रहे हैं उससे लॉन्च के लिए कम्प्लीटली रेडी करना होगा। मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली। द एक्चुअल लॉन्च। लॉन्च डे के दिन आपको फुल एनर्जी के साथ अपने बिजनेस को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। गिलेबो कहते हैं कि लॉन्च का मोमेंट आपके बिजनेस के लिए बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स का अटेंशन ग्रैब करते हो। लॉन्च के वक्त आप अपने कस्टमर्स के साथ एक्टिवली एंगेज करना शुरू करें, लाइव चैट, सोशल मीडिया इंटरैक्शंस और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस देना इम्पोर्टेंट होगा। आपका गोल है कि आपके कस्टमर्स को एक स्मूथ और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस माइल। पोस्ट लॉन्च स्ट्रेटजीज। लॉन्च के बाद का फेज भी उतना हाई इम्पोर्टेंट है जितना लॉन्च का टाइम। आपको अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेना होगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। गिलेबो कहते हैं कि कस्टमर फीडबैक आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए इनवैल्यूएबल होता है। पोस्ट लॉन्च स्ट्रेटजीज में आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कंटिन्यू करें, सोशल प्रूफ कलेक्ट करें जैसे कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स, और अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें। रियल लाइफ लॉन्च एग्जाम्पल्स। गिलेबो इस चैप्टर में कुछ सक्सेसफुल लॉन्च एग्जाम्पल्स भी शेयर करते हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने अपने हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस लॉन्च किया बाय क्रिएटिंग बस ऑन इंस्टाग्राम, और लॉन्च के दिन उसका सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया।
इस तरह के एग्जाम्पल्स से आपको आइडियाज मिलते हैं कि आप अपना लॉन्च कैसे इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। की टेकअवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, लॉन्च क्विकली। दूसरी बात, लॉन्च से पहले अपने ऑडियंस में एंटिसिपेशन बिल्ड करें और अपने प्लेटफॉर्म को तैयार करें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉन्च के बाद अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सीरियसली लें और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे शो मी द मनी की, यानी कैसे आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड गेट रेडी टू लॉन्च। चैप्टर 6, शो मी द मनी। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6, शो मी द मनी। ये चैप्टर बात करता है पैसे की, कैसे आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्राइसिंग को सेट करें और कैसे एंश्योर करें कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो। लेट्स डाइव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। गिलेबो कहते हैं कि प्राइसिंग एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस के सक्सेस या फेलियर को डिसाइड कर सकती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अंडर प्राइस करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, और अगर ओवर प्राइस करते हैं तो शायद कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को केयरफुली सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। गिलेबो सजेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की वर्थ और मार्केट डिमांड को ध्यान में रखकर प्राइसिंग सेट करें। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को समझकर उसका प्राइस डिसाइड करना होगा। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग यूज करना, मतलब सिर्फ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखकर उसका प्राइस सेट करना। गिलेबो कहते हैं कि इंस्टेड आपको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यूज करनी चाहिए। इस मॉडल में आप अपने प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पर प्राइसिंग सेट करते हो। यानी अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है तो आप उसके अकॉर्डिंगली हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आपको हायर प्रॉफिट मार्जिन कमाने में हेल्प करती है। हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अब बात करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की। गिलेबो सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने बिजनेस में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने चाहिए। ये आपके बिजनेस को फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है और आपको स्टेबिलिटी देता है। जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप उसके साथ रिलेटेड सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो, या फिर आप अपनी एक्सपर्टीज को उसे करके ऑनलाइन कोर्सेज या कंसल्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का होना हमेशा एक सेफ स्ट्रेटजी होती है। मॉनिटर योर फाइनेंसेस रेगुलरली। गिलेबो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस करते हैं, अपने फाइनेंसेस को रेगुलरली मॉनिटर करना। आपको हमेशा अपने रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को ट्रैक करना होगा ताकि आपको पता चले कि आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। रेगुलर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कहीं कॉस्ट कटिंग करनी है या कहीं इन्वेस्ट करना है। इसलिए अपने फाइनेंसेस पर हमेशा नजर रखें और अपने बिजनेस को फाइनेंशियली हेल्दी बनाएं। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। गिलेबो इस चैप्टर में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर करते हैं अनलॉगॉन के, जो अपने बिजनेसेस को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाने में कामयाब रहे। जैसे एक फ्रीलांसर जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यूज करके अपनी इनकम को डबल कर चुका है, या एक ऑनलाइन सेलर जो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। दीज एग्जांपल्स से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रॉपर प्राइसिंग, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स
और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग से आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। Key takeaways। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, प्राइसिंग को केयरफुली सेट करें यूजिंग द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। दूसरी बात, अपने बिजनेस के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने फाइनेंसेस को रेगुलरली मॉनिटर करें ताकि आपका बिजनेस फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहे। चैप्टर 7, हसलिंग द जेंटल आर्ट ऑफ सेल्फ प्रमोशन। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7, हसलिंग द जेंटल आर्ट ऑफ सेल्फ प्रमोशन। इस चैप्टर में गिलेबो बताते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं बिना ओवर द टॉप या पुशी लगने के। चलिए देखते हैं कैसे आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं इन अ स्मार्ट एंड जेंटल वे। व्हाट इज हसलिंग? हसलिंग का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है, ये स्मार्ट वर्क करने का एक तरीका है। गिलेबो कहते हैं कि हसलिंग का मतलब है अपने बिजनेस को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। लेकिन ये सब करते वक्त आपको अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना होता है और उनपे अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना होता। हसलिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपको अपने कस्टमर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ और इवन कॉम्पिटिटर्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनानी होंगी। हाउ टू प्रमोट विदाउट बीइंग पुशी। अब बात करते हैं सेल्फ प्रमोशन की विदाउट बीइंग पुशी। गिलेबो कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस तरह प्रमोट करना है कि लोग इंटरेस्टेड हो जाए, लेकिन उनपे कोई जबरदस्ती ना लगे। टेल योर स्टोरी। लोगों को आपकी स्टोरी सुनना पसंद आता है। अपने बिजनेस के पीछे की कहानी शेयर करें। क्यों आपने ये शुरू किया, आपका पैशन क्या है और आप लोगों की लाइफ कैसे बेटर कर रहे हैं। ऑफर वैल्यू। प्रमोशन सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना नहीं होता, आपको अपने ऑडियंस को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, टिप्स, ट्रिक्स या फ्री रिसोर्सेज। इसे आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं और लोग नेचुरली आपके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बी कंसिस्टेंट। प्रमोशन एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आपको रेगुलरली अपने बिजनेस का प्रमोशन करना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, ईमेल मार्केटिंग से हो या पर्सनल इंटरेक्शन से हो। बिल्डिंग एन ऑडियंस थ्रू कंटेंट। Content creation is one of the best ways to build an audience. गिलेबो suggest करते हैं कि आप blogs लिखें, YouTube videos बनाएं या podcasts launch करें, जो भी आपको suit करें। Content से आप अपने expertise को showcase करते हैं और अपने audience के साथ deeper connection build करते हैं। जैसे कुछ successful entrepreneurs ने अपने नीचे में content create करके अपने brand को establish किया है। कंटेंट क्रिएशन आपको अपनी ऑडियंस के सामने एक एक्सपर्ट के रूप में एस्टैब्लिश करता है। लेवरेजिंग सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ एक पावरफुल टूल है सेल्फ प्रमोशन के लिए। गिलेबो कहते हैं कि लोग हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। आप अपने सैटिस्फाइड कस्टमर्स के रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज को हाईलाइट करें। जितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स आपके पास होंगे, उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए अपने हैप्पी कस्टमर्स से फीडबैक लेना ना भूले और उसे अपने प्रमोशंस में जरूर इंक्लूड करें। नेटवर्किंग विदाउट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हर इवेंट में जाके अपने बिजनेस कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। गिलेबो सजेस्ट करते हैं कि आप नेचुरली और जेन्युइनली लॉग ऑन से कनेक्ट करें। शेयर योर आइडियाज, लिसन टू देयर्स और रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनिकली ग्रो होन दे। नेटवर्किंग का बेस्ट वे है कि आप लोगों की हेल्प करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के।
जब आप किसी के लिए वैल्यूएबल बनते हैं तो वो भी आपके बिजनेस के बारे में जानकर नेचुरली इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ही टेक अवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, हसलिंग का मतलब है अपने बिजनेस को स्मार्टली प्रमोट करना बिना पुशी लगे। दूसरी बात, अपनी स्टोरी शेयर करें, वैल्यू ऑफर करें और कंसिस्टेंटली प्रमोट करें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोशल प्रूफ और नेचुरल नेटवर्किंग को लेवरेज करें ताकि आपका प्रमोशन इफेक्टिव हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको द पावर ऑफ स्मॉल बेट्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड प्रमोट विद पैशन। चैप्टर 8, द पावर ऑफ स्मॉल बेट्स। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8, द पावर ऑफ स्मॉल बेट्स। इस चैप्टर में गिलेबो हमें बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी बेट्स यानी स्मॉल रिस्क लेना आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे आप अपने बिजनेस जर्नी में ये स्मॉल बेट्स यूज कर सकते हैं। व्हाट आर स्मॉल बेट्स? तो सबसे पहले स्मॉल बेट्स क्या होती है? स्मॉल बेट्स का मतलब है छोटी छोटी रिस्क लेना जो आपको अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करने और नई चीजें ट्राई करने का मौका देती है। ये बेट्स इतनी बड़ी नहीं होती कि आपका बिजनेस रिस्क में आए, लेकिन ये आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस जरूर देती है। गिलेबो कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस में हमेशा इनोवेट करते रहना चाहिए और स्मॉल बेट्स इज इनोवेशन का एक सेफ और इफेक्टिव तरीका है। व्हाई स्मॉल बेट्स आर इम्पोर्टेंट? स्मॉल बेट्स के दो मेन एडवांटेजेस होते हैं। पहला, ये आपको अपने आइडियाज को क्विकली टेस्ट करने का चांस देती है, और दूसरा, अगर ये बेट्स फेल भी हो जाए तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होता। आप इन बेट्स से सीखकर अपने अगले स्टेप्स को और भी ज्यादा इन्फॉर्म्ड और स्ट्रैटेजिक बना सकते हैं। स्मॉल बेट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है ताकि आप अपने फेलियर्स से जल्दी रिकवर कर सके और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ सके। ये आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में एक एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करती है। Examples of small bets in action. गिलेबो कुछ examples भी शेयर करते हैं जहां small bets entrepreneurs के लिए game changer साबित हुई है। जैसे एक entrepreneur ने अपने online store में एक नया product line add करने से पहले उसका limited stock बनाया और अपने loyal customers के बीच launch किया। जब उससे positive feedback मिला, तब उसने उस product line को full scale पर launch किया। इस स्मॉल बेट ने अस एंटरप्रेन्योर को मिनिमाइज रिस्क करने में हेल्प किया और उससे पता चला कि मार्केट में अस प्रोडक्ट के लिए डिमांड है या नहीं। इस तरह के स्मॉल बेट से आप अपने बिजनेस के लिए नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर कर सकते हैं। हाउ टू मेक योर ओन स्मॉल बेट्स। अब बात करते हैं कैसे आप अपने बिजनेस में स्मॉल बेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बिजनेस के करंट स्टेट को देखें और आइडेंटिफाई करें कि कहां आप स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स किसी नए प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी या इवन कस्टमर सर्विस अप्रोच के फॉर्म में हो सकते हैं। स्टेप्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। एक, आइडेंटिफाई अ स्मॉल बेट। एक ऐसा एरिया चूज करें जहां आप नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जिससे आपका कोर बिजनेस रिस्क में ना आए। दो, टेस्ट एंड मेजर। अपने स्मॉल बेट को मार्केट में टेस्ट करें और कस्टमर फीडबैक और रिजल्ट्स को केयरफुली मॉनिटर करें। तीन, लर्न एंड एडजस्ट। जो कुछ भी आपने सीखा है उससे अप्लाई करें अपने बिजनेस में और अपने अप्रोच को एडजस्ट करें। ओवरकमिंग द फियर ऑफ फेलियर। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल बेट्स लेने से डरती है क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लेकिन गिलेबो कहते हैं कि स्मॉल बेट्स के साथ फेलियर भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है।
जब आप छोटे रिस्क लेते हैं तो आपके फेलियर्स भी छोटे होते हैं, लेकिन आपका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा होता है। इसलिए फेलियर का डर छोड़िए और स्मॉल बेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। ये स्मॉल स्टेप्स हाई आपको आपके बेट गोल्स के करीब ले जाते हैं। ही टेक अवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, स्मॉल बेट्स आपको अपने बिजनेस में इनोवेट करने और नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का सेफ तरीका देती है। दूसरी बात, ये बेट्स आपको जल्दी से सीखने और अपने अप्रोच को एडजस्ट करने में मदद करती है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्मॉल बेट्स लेने से फेलियर का डर कम होता है, क्योंकि रिस्क भी छोटा होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम द न्यू डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कैसे आप अपने बिजनेस के लिए नई मार्केट्स और कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। तब तक के लिए, कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद स्मॉल बेट्स एंड स्टे इंस्पायर्ड। चैप्टर 9, द न्यू डेमोग्राफिक्स। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गिलेबो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, द न्यू डेमोग्राफिक्स। इस चैप्टर में गिलेबो बताते हैं कि कैसे आज के टाइम में डेमोग्राफिक चेंजेस आपके बिजनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। आज के जमाने में कस्टमर्स कैसे बदल रहे हैं और आप उन्हें टारगेट कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द न्यू डेमोग्राफिक्स। गिलेबो कहते हैं कि आज के टाइम में डेमोग्राफिक्स बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं। पहले जहां आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना सिंपल होता था, लाइक एज, जेंडर, लोकेशन, अब ये पैरामीटर्स काफी डायनामिक हो चुके हैं। आजकल लोग अपने इंटरेस्ट्स, बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल के बेसिस पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चूज करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने कस्टमर्स को ट्रेडिशनल डेमोग्राफिक कैटेगरी से पैर देखना होगा। आपको उनके लाइफस्टाइल, वैल्यूज और प्रेफरेंसेस को समझना होगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अलाइन कर सके। टारगेटिंग माइक्रो कम्युनिटीज। आज के जमाने में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है माइक्रो कम्युनिटीज का राइज। ये स्मॉल नीश ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स और वैल्यूज को शेयर करते हैं, जैसे फिटनेस एंथुजियास्ट्स, वेगन ईटर्स या फिर मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल फॉलोअर्स। गिलेबो सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इन माइक्रो कम्युनिटीज को टारगेट करना होगा। माइक्रो कम्युनिटीज में एंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और अगर आप इन कम्युनिटीज में अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो आपका बिजनेस रैपिडली ग्रो कर सकता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रेलेवेंट माइक्रो कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करें और उनके साथ कनेक्ट करें। पर्सोनलाइजेशन इज की। न्यू डेमोग्राफिक्स का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सोनलाइजेशन। आज के कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड हो। गिलेबो कहते हैं कि आपको अपने ऑफरिंग्स को पर्सोनलाइज करना होगा ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ डीपर कनेक्शन बिल्ड कर सके। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो आप पर्सोनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दी सकते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर, या अगर आप सर्विसेज ऑफर करते हैं तो उन्हें कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेलर कर सकते हैं। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक्स। आज टेक्नोलॉजी ने डेमोग्राफिक्स को समझना और भी इजी बना दिया है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, वेबसाइट एनालिटिक्स और कस्टमर फीडबैक टूल से आप अपने ऑडियंस के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स ले सकते हैं। गिलेबो रेकमेंड करते हैं कि आप इन टूल्स का मैक्सिमम यूज करें ताकि आप अपने मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बेटर अलाइन कर सके। टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक इंसाइट्स और इंस्टाग्राम एनालिटिक्स आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आपके कस्टमर्स कौन है, वो क्या पसंद करते हैं और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस डेटा के बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटजीज को ट्वीक कर सकते हैं।
Real-life examples of businesses targeting new demographics. गिल्लेबो इस चैप्टर में कुछ बिजनेसेस के एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं जो न्यू डेमोग्राफिक्स को टारगेट करके सक्सेसफुल यू है। जैसे एक फैशन ब्रांड जो इको कॉन्शियस मिलेनियल्स को टारगेट करता है, या फिर एक फूड कंपनी जो ग्लूटेन फ्री ईटर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनती है। दीज एग्जाम्पल्स से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आप अपने ऑडियंस के स्पेसिफिक नीड्स को टारगेट करते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो कर सकता है। आपको अपने मार्केट रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अपने प्रोडक्ट्स को अनस्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग अलाइन करना होगा। की टेक अवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, आज के जमाने में डेमोग्राफिक्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं और आपको अपने कस्टमर्स को इन न्यू टर्म्स में समझना होगा। दूसरी बात, माइक्रो कम्युनिटीज को टारगेट करें और अपने प्रोडक्ट्स को पर्सोनलाइज करें ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ डीपर कनेक्शन बिल्ड कर सके। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी का उसे करें ताकि आप अपने ऑडियंस को बेटर समझ सके और अपनी स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज कर सके। अगले चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मूविंग ऑन ऐप के बारे में, कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग न्यू डेमोग्राफिक्स एंड स्टे इनोवेटिव। चैप्टर 10, मूविंग ऑन ऐप। Welcome back to our series on the $100 startup by Chris Gillebo. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10, मूविंग ऑन अप। ये चैप्टर अन एंटरप्रेनर्स के लिए है जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये सब हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। The importance of scaling at the right time. सबसे पहले बात करते हैं स्केलिंग की। स्केलिंग का मतलब है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, ज्यादा प्रोडक्ट्स, ज्यादा कस्टमर्स और ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन गिल्लेबो कहते हैं कि स्केलिंग का डिसीजन सही वक्त पर लेना चाहिए। अगर आप जल्दी स्केल कर लेते हैं बिना प्रॉपर फाउंडेशन के, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए पहले इंश्योर करें कि आपका बिजनेस स्टेबल है, आपके प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड है और आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड है। जब आपको लगे कि ये सब चीज इन प्लेस में है, तभी स्केलिंग के बारे में सोचिए। स्ट्रेटजीज फॉर स्केलिंग। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज की जो आपको अपने बिजनेस को स्केल करने में हेल्प कर सकती है। गिल्लेबो सजेस्ट करते हैं कि आप इन स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें। ऑटोमेट एंड डेलीगेट। जब आप स्केल कर रहे होते हैं तो आपके पास सब कुछ मैन्युअली करने का टाइम नहीं होता। आपको अपने रेपेटिटिव टास्क को ऑटोमेट करना होगा और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना होगा। इसे आप अपना टाइम सेव करेंगे और अपने बिजनेस को एफिशिएंटली ग्रो कर पाएंगे। एक्सपैंड योर प्रोडक्ट लाइन। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट हो। इसे आप अपने कस्टमर बेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। एंटर न्यू मार्केट्स। अगर आपका बिजनेस एक स्पेसिफिक मार्केट में सक्सेसफुल हो चुका है, तो आप नए जियोग्राफिकल या डेमोग्राफिक मार्केट्स में एंटर करने का सोच सकते हैं। इसे आप अपने रीच को इंक्रीज करेंगे और नए कस्टमर्स को टारगेट कर पाएंगे। मैनेजिंग ग्रोथ चैलेंजेस। स्केलिंग के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और इन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। गिल्लेबो कहते हैं कि जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो, तब आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना होगा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपके कस्टमर्स डिसेटिस्फाइड हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव होगा। आपको अपनी टीम को भी एक्सपैंड करना होगा और इंश्योर करना होगा कि सभी एम्प्लॉइज आपके बिजनेस के विजन को शेयर करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन से आप अपनी टीम को अलाइन रख सकते हैं। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोथ।
टेक्नोलॉजी आपके स्केलिंग प्रोसेस को इजी और एफिशिएंट बना सकती है। गिलेबो रेकमेंड करते हैं कि आप CRM सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन टूल्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का उसे करें, ताकि आप अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सके। टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने कस्टमर इंटरैक्शंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं और अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करना एक स्मार्ट मूव होगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल स्केलिंग। गिलेबो इस चैप्टर में कुछ बिजनेसेस के एग्जांपल्स शेयर करते हैं जो सक्सेसफुली स्केल कर चुके हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर जो अपने ऑनलाइन कोर्स बिजनेस को ऑटोमेट करके अपनी इनकम को डबल कर चुका है, या फिर एक ई कॉमर्स स्टोर जो अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करके नए मार्केट्स में एंटर कर चुका है। दीज एग्जांपल्स से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्केलिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग, ऑटोमेशन और मार्केट रिसर्च जरूरी है। जब आप सिस्टमैटिकली अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। की टेक अवेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, स्केलिंग तभी करें जब आपका बिजनेस स्टेबल हो और रेडी हो नेक्स्ट लेवल पा जाने के लिए। दूसरी बात, ऑटोमेशन और डेलीगेशन का उसे करें ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने ग्रोथ को मैनेज करते वक्त क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बट व्हाट इफ आई फेल के बारे में, कैसे आप फेलियर से डील कर सकते हैं और अपने गोल्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्केलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। चैप्टर 11 मूविंग फॉरवर्ड। चैप्टर 11 का टाइटल है मूविंग फॉरवर्ड, यानी जब आपका बिजनेस चलने लगता है तो अब आपको कैसे ग्रो करना है, कैसे स्केल करना है और कैसे अपनी लाइफ को और बिजनेस को बैलेंस में रखना है, इसके बारे में ये चैप्टर है। स्केलिंग योर बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं स्केलिंग की। क्रिस गिलेबो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस अब स्टेबल हो गया है तो अब वक्त है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। लेकिन स्केलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बना लें। आपको अपने बिजनेस के साथ साथ अपने लाइफ को भी मैनेज करना है। फोकस ऑन व्हाट्स वर्किंग। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो क्रीज देते हैं वो ये है कि फोकस ऑन व्हाट्स वर्किंग, यानी जो चीजें ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनको और इम्प्रूव करो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू। अगर आपके पास एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसको और कैसे एनहेंस कर सकते हो, ये सोचो। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। क्रीज ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बिजनेस को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, यानी अननेसेसरी चीजों में टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से बचना है। कीप इट सिंपल, कीप इट इफेक्टिव। आपको हर स्टेप को एनालाइज करना है कि क्या ये आपको और आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है या नहीं। अब आती है बात लाइफस्टाइल डिजाइन की। क्रीज स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि आप अपने बिजनेस को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग डिजाइन करें, ना कि अपनी लाइफ को बिजनेस के अकॉर्डिंग। यानी आपको ऐसे प्रोसेसेस बनाने हैं जो आपकी लाइफ को इजी बनाए, ना कि डिफिकल्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपना ख्याल रखना ना भूले। बिजनेस ग्रो करना जरूरी है, लेकिन अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्रीज सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकलने के लिए प्लानिंग करें, ताकि आप बर्नआउट ना हो जाए। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 11 का समरी। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिजनेस को ग्रो करते वक्त हमें अपने लाइफ और हेल्थ को भी बैलेंस में रखना है।
आने वेल वीडियोस में हम और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 12, मेंटेन मोमेंटम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द $100 स्टार्टअप के चैप्टर 12 की। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को कंसिस्टेंट ग्रोथ के रास्ते पर ले जा सकते हैं और कैसे आप नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 12 का टाइटल है मेंटेन मोमेंटम, यानी जब आपका बिजनेस एक अच्छी पोजीशन में आ जाता है तो आपको उस मोमेंटम को मेंटेन कैसे रखना है, ये चैप्टर उस पर फोकस करता है। स्टे कंसिस्टेंट। सबसे पहला पॉइंट जो क्रिस गिलेबो इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो करे तो आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी रखनी होगी, यानी आपको अपनी स्ट्रेटजीज को रेगुलरली रिव्यू करना होगा और जो चीजें काम कर रही है उन पर फोकस बनाए रखना होगा। एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। क्रिस कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस में नए अपॉर्चुनिटीज को हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड हो सकती है, या फिर आप अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्ड अ कम्युनिटी। आज के डिजिटल एज में कम्युनिटी बिल्डिंग एक पावरफुल टूल बन गया है। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएं। ये कम्युनिटी आपके ब्रांड का सपोर्ट सिस्टम बन सकती है और ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हेल्प करेगी। कंटिन्यूअस लर्निंग। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको अपने इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहना होगा और नई स्किल्स सीखते रहना होगा। क्रिस इस बात पर जोर देते हैं कि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अडैप्टेबिलिटी। इस चैप्टर का एक और की पॉइंट है अडैप्टेबिलिटी। मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं। आपको अपने बिजनेस को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडैप्ट करना होगा। ये अडैप्टेबिलिटी हाई आपको कंपटीशन में आगे रख सकती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 12 का समरी। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि अपने बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो करने के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना है, नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करनी है और कंटिन्यूअस लर्निंग और अडैप्टेबिलिटी पर फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 13, हाउ टू रेज द स्टेक्स। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम डिस्कस करेंगे द $100 स्टार्टअप के चैप्टर 13 को, जिसका फोकस है हाउ टू रेज द स्टेक्स। ये चैप्टर बहुत हाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपको दिखता है कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको कैसे सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 13 का टाइटल है हाउ टू रेज द स्टेक्स। क्रिस गिलेबो इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में रियल ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। चैलेंज योरसेल्फ। पहला पॉइंट है चैलेंज योरसेल्फ। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बिजनेस में स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं तो आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। ये चैलेंज हो सकता है अपने करंट बिजनेस मॉडल को अपग्रेड करना या फिर एक नई मार्केट में एंटर करना। चैलेंजेस आपको ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड योर बिजनेस। इस चैप्टर का एक और की पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ एंड योर बिजनेस।
क्री स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बिजनेस में टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक बेटर प्रोडक्ट बनाने में, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को एनहेंस करने में, या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में। क्रिएट स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी। क्रीज ये भी बताते हैं कि स्कैर्सिटी और अर्जेंसी क्रिएट करना कैसे आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिमिटेड टाइम ऑफर या लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कस्टमर्स में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है जो सेल्स को बूस्ट कर सकती है। एक्सपैंड योर रीच। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्रीज कवर करते हैं वो है एक्सपैंडिंग योर रीच। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को नए कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सोचना जरूरी है। ये एक्सपेंशन ज्योग्राफिकल हो सकती है, या फिर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उसे करके नए ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं। बिल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। चैप्टर 13 में क्रीज इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करना बिजनेस को ग्रो करने का एक इफेक्टिव तरीका है। आप ऐसे पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि दोनों पार्टीज को फायदा हो। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 13 का डिटेल्ड समरी। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे और स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। चैप्टर 14, द न्यू डेमोग्राफिक्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे द $100 स्टार्टअप के चैप्टर 14 के बारे में। इस चैप्टर में क्रीज गिलेबो हमें बताते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस में इनोवेशन ला सकते हैं और कैसे नए आइडिया से अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो, बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14 का टाइटल है द न्यू डेमोग्राफिक्स। इस चैप्टर में क्रीज एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आज के डिजिटल एज में डेमोग्राफिक्स और टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। नए डेमोग्राफिक्स का मतलब है नए लोग, नए इंटरेस्ट्स और नए मार्केट्स, जिनको टारगेट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस की। क्रीज कहते हैं कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि उनकी नीड्स क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, और कैसे आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उन्हें हेल्प कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हाई आपको सक्सेसफुल बनाएगी। पर्सोनलाइजेशन इज की। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सोनलाइजेशन। क्रीज सजेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपनी ऑडियंस के हिसाब से पर्सोनलाइज करें, यानी एक हाई प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स के लिए थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट करें, ताकि वो उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट और यूजफुल बन सके। लेवरेज टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। क्रीज रेकमेंड करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का पूरा उसे करें अपने बिजनेस में। ये हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट करना, या फिर डेटा एनालिटिक्स टूल्स का उसे करके अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को समझना। टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। कंटिन्यूअस इनोवेशन। चैप्टर 14 में क्रीज कंटिन्यूअस इनोवेशन पर भी बहुत जोर देते हैं, यानी आपको अपने बिजनेस में रेगुलरली नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए। ये नए आइडियाज आपको मार्केट में रेलेवेंट बनाए रखेंगे और आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रखेंगे। बी ओपन टू चेंज। क्रीज ये भी कहते हैं कि आपको चेंज के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स कभी भी चेंज हो सकते हैं और आपको अन चेंजेस के साथ अपने बिजनेस को अडेप्ट करना होगा। जो बिजनेसेस चेंज के लिए ओपन होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 14 का समरी।
इस चैप्टर में हमें ये समझ में आता है कि नए डेमोग्राफिक्स को समझना, अपने ऑडियंस को पर्सोनलाइज सॉल्यूशंस देना, टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करना और कंटिन्यूअस इनोवेशन पर फोकस करना कितना जरूरी है। ये सारे एलिमेंट्स मिलके आपके बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर ले जा सकते हैं। चैप्टर 15, बट व्हाट इफ आई फेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द $100 स्टार्टअप के चैप्टर 15 को, जो है इस बुक का आखिरी चैप्टर। इस चैप्टर का फोकस है कि आप अपने बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल बनाएं और लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे अचीव करें। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 15 का टाइटल है बट व्हाट इफ आई फेल, यानी अगर मेन फेल हो गया तो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एंटरप्रेन्योर के माइंड में आता है। क्रिस गिलेबो इस चैप्टर में इस फियर को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप फेलियर के फियर को ओवरकम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर की। क्रिस कहते हैं कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर लेना चाहिए। आप जब रिस्क लेते हैं तब कभी कभी फेलियर होना नेचुरल है, लेकिन ये फेलियर आपको सिखाता है कि अगले बार आपको कैसे इम्प्रूव करना है। प्लान फॉर फेलियर बट डोंट ड्वेल ऑन इट। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि आप प्लान फॉर फेलियर जरूर करें, लेकिन उस पर ज्यादा सोच विचार ना करें। यानी आपको अपने बिजनेस में पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उनके लिए कंटिंजेंसी प्लान्स बनाना होगा, लेकिन ये कंटिंजेंसी प्लान्स आपको ओवरथिंकर नहीं बना दीन चाहिए। क्रिएट अ सेफ्टी नेट। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो है क्रिएटिंग अ सेफ्टी नेट, यानी आपको अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा बैकअप प्लान बनाना होगा जो आपको फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्राइसिस के वक्त हेल्प कर सके। ये सेफ्टी नेट हो सकती है कुछ सेविंग्स, इंश्योरेंस या फिर एक सेकेंडरी रेवेन्यू स्ट्रीम। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। क्रिस स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करते हैं कि आप अपने स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें। छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपको मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये सेलिब्रेशंस आपके बिजनेस जर्नी को एंजॉयबल बनते हैं। लर्न एंड अडैप्ट। चैप्टर 15 का एक और की टेक अवे है लर्निंग एंड अडैप्टिंग। क्रिस बताते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली अडैप्ट करते हैं। मार्केट कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती है और आपको उनके साथ अपने आप को भी चेंज करना होगा। ओ दोस्तों, ये था चैप्टर 15 का समरी। इस चैप्टर में हमें ये समझ में आता है कि फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको एम्ब्रेस करके लर्न करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना, एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट क्रिएट करना और कंटिन्यूअसली लर्न और अडैप्ट करना ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाएगा। फाइनल कंक्लूजन। हे गाइस, हमने द $100 स्टार्टअप बुक के सारे चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम पूरी बुक का एक फाइनल कंक्लूजन करेंगे, जिसमें हम बुक के मेन लेसन्स और टेक अवेज को सम अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द $100 स्टार्टअप फाइनल टेकअवेज। सबसे पहले तो ये बुक हमें ये सिखती है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पाथ है जो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लॉगॉन के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान अपने स्किल्स और पैशंस को लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्रिस गिलेबो ने इस बुक में बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज और एग्जाम्पल्स दिए है जिसमे लोगों ने सिर्फ $100 से अपना बिजनेस शुरू किया और सक्सेसफुल बन गए। स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग। एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो इस बुक से मिलता है वो है स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेड रिसोर्सेज या इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है।
आप छोटे लेवल पर शुरू करके भी अपने बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है एक अच्छा आइडिया, पैशन और डेडिकेशन की। सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएट वैल्यू। क्रीज बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपने बिजनेस में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। एक्शन ओवर परफेक्शन। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस बुक में हाईलाइट किया गया है वो है एक्शन ओवर परफेक्शन। यानी परफेक्ट होने का इंतजार मत करें, बस अपने आइडिया को एक्शन में ले आइए। शुरू करना जरूरी है, बाकी चीजें आप सीखते और इम्प्रूव करते रहेंगे। एम्ब्रेस फेलियर, कीप मूविंग फॉरवर्ड। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, यही हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि फेलियर को एम्ब्रेस करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना हाई सक्सेस की है। आपको अपने जर्नी में छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना है और अपनी मिस्टेक से कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना है। डिजाइन योर लाइफ। इस बुक का एक बहुत हाई ब्यूटीफुल लेसन ये भी है कि डिजाइन योर लाइफ। आप अपने बिजनेस को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग डिजाइन करें, ना कि अपनी लाइफ को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ये आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देगा जो आपके सपने को जीने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था द $100 स्टार्टअप का फाइनल कंक्लूजन। इस बुक ने हमें ये सिखाया कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करना और अपने लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना कितना रिवॉर्डिंग हो सकता है। चाहे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोटा हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया, क्लियर विजन और कंसिस्टेंट एक्शन है, तो आप अपना कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपको ऐसे हाई वैल्यूएबल कंटेंट के साथ फ्यूचर में मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेम्बर, द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step. All the best for your entrepreneurial journey.